साथियों, हमारे एक दर्शक जो कि क्रेडिट कार्ड लोन के डिफॉल्टर है, उन्होंने हमको एक नोटिस भेजा। अब नोटिस क्या भेजा, आप भी सरप्राइज्ड हो जाओगे। सरप्राइज्ड ये हो जाओगे कि उनकी लीगल फर्म ने, उनके एडवोकेट ने, जिस जिले का वो रहने वाला है उसके एसपी को लेटर लिखा कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, हमसे इतनी राशि का लोन ले लिया है, लोन नहीं चुका रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दे रहा है, इसने अपराध किया है, इसके खिलाफ 420, 406, 464 आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। साथियों, ये जो नोटिस भेजा गया, अब भेजा या नहीं भेजा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इस लेटर को व्हाट्सएप किया। किसको? हमारे दर्शक को जो लोन के डिफॉल्टर है। अब शायद एनबीएफसी कंपनी के पास बजट की कमी है कि वह अच्छे वकील नहीं रख पा रही है, या फिर उन्होंने जो वकीलों के नाम पे जो अनपढ़ जाहिल गवार लोग रख रखे हैं उनको कानून की जानकारी नहीं है। यानी कि अगस्त महीने की अंतिम तारीख को नोटिस जारी करते हैं और उसमें आईपीसी की धाराएं लिखते हैं, जबकि कानून बदल चुके हैं 1 जुलाई से। यानी कि भारतीय दंड संहिता रिप्लेस हो चुकी है भारतीय न्याय संहिता से, सभी कानूनों की धाराएं बदल चुकी है। अब जब कहीं कोई अपराध होगा तो ऐसी स्थिति में यदि कंप्लेंट फाइल होती है तो वह कौन करेगा? यदि कंपनी की ओर से कंपनी का पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर जो भी होता है वो कंप्लेंट फाइल करता है, लेकिन यहां पर वकील के नाम पे, लीगल फर्म के नाम पे, एडवोकेट के नाम पे जो कोई लोग है वह सीधा एसपी को लेटर लिख रहे हैं, और एसपी को लेटर लिख रहे हैं तो इस तरीके से लिख रहे हैं कि वह उनको ऑर्डर दे रहे हैं कि आप इंस्ट्रक्शंस के अंतर्गत कार्रवाई करें, इस बंदे को दंडित करावे। क्या इन एनबीएफसी कंपनी ने पुलिस को रिकवरी एजेंट समझ लिया है? क्या पुलिस को सैलरी अब राज्य नहीं देता है, ये एनबीएफसी कंपनी देती है? और बड़ी बात तो मानिए कि इन्होंने खुद की जो ईमेल आईडी बनाई है ना, वह @ पुलिस बनाई है। अरे भाई, एसपी साहब को लेटर भेजना है भेज दीजिए ना, आप क्लाइंट को क्यों भेज रहे हो? यानी कि पुलिस के नाम पर लोगों को डराकर अवैध वसूली का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहता हूं, ये जरूरी नहीं है कि आने वाला हर नोटिस कोर्ट का नोटिस हो, वकील का नोटिस हो, ईडी का नोटिस हो, सीबीआई का नोटिस हो, पुलिस का नोटिस हो। क्योंकि आपने ये चीज तो देखी है कि आजकल तो हाईकोर्ट के ऑर्डर भी लोग फर्जी निकाल देते हैं। तो ये आपको जानना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। बीच में डेटा एंट्री फ्रॉड के नाम पे फर्जी नोटिस और फर्जी पुलिस थाने की FIR का जिक्र करते हुए हमारे कई दर्शकों को उदयपुर के एड्रेस से फर्जी नोटिसेस गए थे, जिनके बारे में हमने जनता को आगाह किया और ठगी से बचाया। तो मैं आप लोगों से भी ये कहता हूं, यदि आपने लोन लिया है, आप लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं, और यदि आपको कोई भी नोटिस आता है तो आप किसी एक ऑनलाइन एडवोकेट को या एक अपने लोकल एडवोकेट को हायर कर लीजिए, उनकी मामूली फी उनको पे कर दीजिए, और उनसे ये कहिए कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं मुद्दे की 2 मिनट आपसे बात करके मैं मेरी चीजों को क्लियर करूंगा। कारण ये है कि ये फर्जी नोटिस आपके तनाव बढ़ाते हैं, आपकी चिंता बढ़ाते हैं, और इसी मानसिक तनाव के अंतर्गत आप अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए आपको भी यदि ऐसे कोई फर्जी नोटिस आते हैं या रियल नोटिस भी आ रहे हैं तो उनका पता केवल एक एडवोकेट लगा सकता है। इसीलिए आपको आज ये चाहिए कि यदि आप लोन डिफॉल्टर बन चुके हैं
और मल्टीपल लोन है तो आप किसी एक एडवोकेट को आप हायर कर लीजिए, उनके एक निश्चित फीस आप दे दीजिए और उनसे कहिए कि जब भी छोटी बड़ी बात होगी ना मैं आपको फोन करके पूछूंगा, जब कोई नोटिस आएगा ना मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा, आप देख के सिर्फ मुझे सजेशन दे देना, क्योंकि एक अच्छा सजेशन आपको हजार मुसीबतों से निकालता है। साथियों, कई लोग वीडियो देखते ही हमें फोन करना शुरू कर देते हैं। ये मेरा जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है ऑफिशियल नंबर है, आपकी हम से डायरेक्ट बात नहीं हो सकती है। यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आपको कॉल बुक करना पड़ेगा और कॉल बुक करने पर हमारी सुविधा के अनुसार आपको फोन आएगा। लेकिन यहाँ पर यह बात कहूंगा कि आपको कॉल बुक करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट को सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम और YouTube पर फॉलो और सब्सक्राइब करें। और यदि आप YouTube पर हमें सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा और हमारे प्रत्येक वीडियो एक अकॉर्डिंग टू प्लेलिस्ट बनता है और वहां पर प्लेलिस्ट के अनुसार आप हर वीडियो को देख सकते हो। यदि आप प्रत्येक वीडियो हमारा देखेंगे तो आपको किसी सवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बावजूद यदि आप हमको बात करना चाहते हैं तो बिना कॉल बुक किए बात करना संभव नहीं है। और एक बात और कहूंगा कि कमेंट्स का रिप्लाई भी हमारे द्वारा समय अभाव के कारण संभव नहीं हो पाता है, लेकिन लोन से अपडेटेड प्रत्येक वीडियो हमने हमारे चैनल पे डाल रखे हैं, उनको देखकर आप अपने मन के सारे कंफ्यूजर दूर कर सकते हैं। और साथियों, लोन लिया है ना, लोन नहीं भर पा रहे हो ना, ये कोई क्रिमिनल अपराध नहीं है, कोई आपके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जिसके कि आप लीड नहीं कर सकते हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हैं कि बहुत सारे लोन हो गए, जितनी कमाई नहीं उतनी EMI है, तो फिर आपको एक अच्छे सजेशन की जरूरत है। तो इसके लिए हम आपको सजेशन देंगे, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवोकेट से कॉन्टेक्ट करें, टेबल मीटिंग करें और उनसे अपनी सारी चर्चा करें, क्योंकि वही आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और आपको इस मुसीबत की घड़ी से निकाल सकते हैं। साथियों, जानकारियां तभी आपको अपडेट हो पाएगी जब आप हमें जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वह शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे तो ही तो जानकारियां मिल पाएगी। और दूसरी बात, यदि इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, यदि फेसबुक पर देख रहे हैं, तो इतना ही निवेदन करूंगा कि यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी पर जरूर आए। धन्यवाद।